अब मैं फिर से एक लिनक्स की नई सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिसपे मैं पूरा लिनक्स आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब मैं पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपको लिनक्स, आपको लिनक्स है क्या, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के अपनी स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो भाई साहब, पहली चीज़ तो ये होती है कि लिनक्स इज़ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट यूज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज सॉफ्टवेयर दैट सिस्टम अंडरनेट ऑल ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर रिसीविंग रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज प्रोग्राम्स एंड रिलेइंग दोज रिक्वेस्टेड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर ओएस फैमिली, जस्ट लाइक यूनिक्स, ओके। तो अभी मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिनक्स के जो सिस्टम होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, तो भैया ये जो होते हैं कि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर मशीन है और मशीन को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, ताकि क्या हो कि जो ह्यूमन है, जो क्लाइंट हो हमारा, किसके साथ कम्युनिकेट कर सके? मशीन के साथ। भाई मशीन एक यही सीधा सीधा जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी भाषा होती है या एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो कि क्या करता है कि क्लाइंट के द्वारा कहे गए इनपुट को मशीन को समझने हेतु इनपुट में बनाता है, और मशीन जो आउटपुट हमें देती है उस आउटपुट को, यानी जो क्लाइंट होता है उसके समझने के लिए आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक तरीके से आप लोग जान लीजिए, जैसे आपको हिंदी आती है और सामने वाले बंदे को चाइनीज आती है, न तो आपको चाइनीज आती है न तो उसको हिंदी आती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप? एक ट्रांसलेटर लोगे जो कि क्या करेगा, अगर आप उसे हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में क्या करेगा, वो चाइनीज में ट्रांसफर करेगा, और जो वो चाइनीज वाला जो बोलेगा उसको सुन के उसको क्या करेगा, हिंदी में ट्रांसफर करेगा। तो मोटा मोटा ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम होता है, जो यूजर और मशीन के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन को डेवलप करने का काम करता है। तो लिनक्स भी एक यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ओपन सोर्स है, फ्री है, पहली चीज़ ये फ्री है, और दूसरा क्या है कि इसका प्रयोग, इसका यूज़ ना कोई भी कर सकता है भाई, चाहे वो आम हो चाहे खास हो, कोई भी बंदा इसका यूज आसानी से कर सकता है। और इसका मतलब इसके सोर्स कोड, यानी कि इसके सोर्स कोड को भी आप ले सकते हो। इसके सोर्स कोड को लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप कुछ अच्छा नहीं लगा, हाँ यार इस गेम में इस जगह पे ये होना चाहिए था, ठीक है, तो अगर लिनक्स पे आपको एक गेम डेवलप किया हो तो उसमें उस सोर्स कोड को लेकर आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कैमरे में ये फीचर आना चाहिए था, ये सब, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या होता है कि लिनक्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, GNU GPL यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू ही ये निर्दिष्ट होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है, अब देखते हैं इसको, ठीक है। तो भाई साहब पहली चीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? भाई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा फंडा है कि लिनक्स जो होता है कर्नल होता है, आप डायरेक्टली लिनक्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं अपने सिस्टम में। भाई जैसे हम आपको ये लो पकड़ो भैया लिनक्स, जैसे आप विंडोज अगर इंस्टॉल करते हो तो आप क्या करते हो, तो एक ISO फाइल होती है उसको बनाते हो, उसके बाद इंस्टॉल डायरेक्टली कर लेते हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि लिनक्स को आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको लिनक्स OS होना चाहिए, उसके बाद उस पर कर्नल और GNU यूटिलिटीज होती है, ठीक है। आप लिनक्स का कर्नल इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर GNU यूटिलिटीज होती है। अब GNU यूटिलिटीज क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आती है। अब देखो इसका एक मैं एक एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको एक बहुत बड़ा घर बनाना है तो आप घर बनाने के लिए किस किस चीज़ों के पास जाओगे? आपको पहले बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, सब कुछ आप इकट्ठा करोगे एक जगह, ठीक है। तो वही उन्हीं चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कि एक ही सॉफ्टवेयर को अलग अलग से यहाँ पर डाउनलोड किया जाता है लिनक्स कर्नल में, ठीक है। अब क्या होगा, अब उस घर बनाने के लिए मिस्त्री वगैरह लाओगे, एक ही बार में आपका घर थोड़ी ना बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, पहले ईंट नींव डलेगी, ठीक है, छत ने डाला, डेरा वगैरह वगैरह, ठीक है, घर बन गया मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। अब देखो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग टाइप के वेरिएंट, अलग अलग टाइप के फ्लेवर। जैसे हम आइसक्रीम खाने जाते हैं तो कहीं वनीला ढूंढते हैं, कहीं स्ट्रॉबेरी ढूंढते हैं, कहीं चॉकलेट फ्लेवर ढूंढते हैं, तो ठीक वैसे ही जो होता है हमारा वो लिनक्स होता है। तो अलग अलग टेस्ट के लिए, यानी कि अलग अलग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए, सी लाइव के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कुछ पॉपुलर जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हम दिखाने की बात कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो उनमें आता है भैया आपका
काले लिनक्स आता है, उबंटू आता है, सेंटोएस, फेडोरा आता है, ठीक है, और लिनक्स मिंट आता है। तो ये सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, इसमें एक डेबियन भी आता है। तो जो मैं बेसिकली काली और लिनक्स मिंट इन दोनों को थोड़ा यूज़ किया हूँ। उबंटू को भी मैंने कभी कभी यूज़ एक दो बार मैंने यूज़ किया था, उबंटू भी बढ़िया लगता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भैया कि आपके पास एक आपको आइसक्रीम खानी है, वो रहेगी ठंडी आइसक्रीम रहेगी आपकी, साथ ही साथ उसमें एक स्पेसिफिकेशन ये आ जाएगा कि भैया वो डिफरेंट फ्लेवर में रहेगी तो वो ठंडी ही, ठीक है। और एक चीज़ जो मेरे इस वीडियो में कमियां हैं, आप लोग उसे कमेंट के थ्रू आप लोग हमसे बता सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो PDF है मैं इसको आपको क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ तब तक के लिए टेक केयर, अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।